यमुनानगर पुलिस की CIA की शाखा को बड़ी अहम कामयाबी मिली है। लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश राकेश उर्फ मोंटी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर उसे कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा बरामद किया है। पकड़ा गया राकेश उर्फ मोंटी हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, किडनैपिंग जैसे कई मामलों में मोस्ट वांटेड था। SP राजेश कालिया ने बताया कि मोंटी पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, लड़ाई झगड़े जैसे कई मामले दर्ज थे और इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। और CI1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे पकड़ा है और इसके कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। देखिए, शहर में अपराध को लगाम लगाने के लिए हमने यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है, तो इसके अंतर्गत हमारे CI1 स्टाफ ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक राकेश और मोंटी है जो हमारा एक 50,000 का इनामी बदमाश है, जिसके ऊपर तकरीबन 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक 307 का मुकदमा भी दर्ज है और बाकी लड़ाई झगड़े के आम सीट के अंदर भी उसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और एक वॉन्टेड क्रिमिनल है। जैसे मैंने बताया, हमने इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है और जिसे स्टाफ ने कामयाबी हासिल की है उसको दबोचने की, और उससे हमें जो हमने उसको पकड़ा है तो उसके पास से हमें एक दो वेपन भी मिले हैं, एक पिस्टल और एक हमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। 4 राउंड जो हैं लाइव राउंड वो बरामद हुए हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि हमें एक अच्छी कामयाबी हासिल हुई और हमारी कई जो इसमें जो केसेस हैं वो सॉल्व हुए हैं। यमुनानगर पुलिस का वॉन्ट, इसके जो भी एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रही हैं वो यमुनानगर में रही हैं, हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और आगे अगर किसी और जगह भी, क्योंकि अभी हमने इसको गिरफ्तार किया है मौके से, तो इससे हम और पूछताछ करेंगे। इसके कुछ साथी हैं जो फरार हैं, इसके मुकदमा वार हैं, हम वार हैं कुछ मुकदमों में, तो उसमें भी हम उसकी भी पूछताछ कर रहे हैं और उसमें उसके साथी को गिरफ्तार करेंगे और उससे आगे और खुलासा हो सकता है कि इसने इन लोगों ने कहीं और गैंग में किसी में इन्वॉल्वमेंट है या और किसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट हरियाणा किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई वारदात की है। झगड़ा, मारपीट, 307 आर्म्स एक्ट, राणा धमकाने, इस तरीके के मुकदमे चार मुकदमे दर्ज है। इसमें देखिए, वांटेड ये 307 केस में वांटेड था और एक में तो POB डिक्लेयर हुआ है केस में, और एक बदमाश प्रवृत्ति का इंसान है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पुलिस कार्रवाई करी भी, उसके घर वालों को भी हमने पूछताछ के लिए जैसे जिस प्रकार से हमने इनके घर भी गए, पुलिस कभी भी जाती है तो इसके परिवार वाले भी जो है पुलिस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और डराना धमकाना करते हैं, तो ये एक वांटेड क्रिमिनल है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसके साथ ही पकड़े जाएं। कहाँ करें इसको गिरफ्तार? हमने यहाँ जो मुथूट फाइनेंस एक शॉप है यहाँ पे, उसके यहाँ से मधु होटल के सामने से वहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन पर गिरफ्तार किया है। तो यमुनानगर का ही रहने वाला है, बेसिकली यहाँ का ही बाशिंदा है।